प्रदेश को हरा भरा करने और जल संरक्षण के जरिए सूखी नदियों का पुनरोद्धार करने के लिए परमाणु सहेली संस्था की ओर से जल जन अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में संस्था की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, साथ ही आमजन को बारिश के पानी के संरक्षण के उपाय और उसके पुनः उपयोग के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे बरसात का जल एक जगह एकत्रित कर उसे खेती और पशुपालन के लिए काम में लिया जा सके। साथ ही जिन क्षेत्रों में नदी नाले हैं उनमें अतिरिक्त जल को छोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे सूखी नदियों में दोबारा से पानी की आवक हो सके। अभियान में संस्थान की ओर से जयपुर के छकड़ा गांव को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा और सरकार की सहायता से अन्य गांवों को भी उसी तरह से बनाने का काम किया जाएगा। जो रिसेंटली बाढ़ आई है वो क्यों आई है, वाटर लॉक सिटी क्यों हुई? दो रीजंस है, वाटरशेड्स डेवलप नहीं है और सिटी का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। अब जैसा कि बताया कि हर ग्राम पंचायत में वाटरशेड को डेवलप करने के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, मतलब 11,000 ग्राम पंचायत के लिए 11,000 करोड़ रुपए। अब बात आती है कि क्या इतना फंड हमारे पास है, तो 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें 45,000 करोड़ के इंटरेस्ट पेमेंट्स थे और 1,00,000 करोड़ के कमिटेड एक्सपेंडिचर्स थे, तो नॉन कमिटेड एक्सपेंडिचर्स बचे 80,000 करोड़ रुपए। ये हर साल की वी हैव अ नॉन कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ 80,000 करोड़ रुपीज, बट पूरे राजस्थान के वाटरशेड्स को डेवलप करने के लिए, जिससे हमारे राजस्थान की खोए हुए तालाब झीलें झीलों में और नदियों में फिर से पानी आ सकता है, उसके लिए हमें 11,000 ग्राम पंचायत के लिए 11,000 करोड़ रुपया चाहिए। तो 80,000 करोड़ के एक साल के नॉन कमिटेड एक्सपेंडिचर में से अगर 11,000 करोड़ इस काम के लिए निवेश कर दिए जाएं, तो राजस्थान में 1 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पानी बिजली दूध गैस खाद चारा, ये 6 बेसिक आवश्यकताएं मिलती।